वोडाफोन आइडिया ने अपना बकाया चुका दिया है। कौन सा बकाया भाई साहब? कोई तो चुकाया, पैसा दिया है भाई साहब। कितना पैसा दिया है, चलो जानते हैं कितना पैसा दिया है। द वन साबन की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एजीआर का बकाया बहुत ज्यादा है टेलीकॉम कंपनीज पे, और अभी तक किसी भी कंपनी ने जियो को छोड़ के अपना एजीआर ड्यूज कंप्लीटली क्लियर नहीं करा है। देखो भाई साहब, यहाँ पर एक न्यूज सामने आई है कि वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर 3,043 करोड़ रुपए का भुगतान करा है और अपना ड्यू क्लियर करा है। जी हाँ दोस्तों, अपना ड्यू क्लियर करा है। तो कौन सा ड्यू क्लियर किया है भाई साहब? एजीआर ड्यू क्लियर नहीं करा है, उन्होंने अपनी स्पेक्ट्रम फीस भरी है। जो उनका डेडलाइन था, अभी स्पेक्ट्रम फीस जमा करना ही था, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर अपना स्पेक्ट्रम ड्यूज को यहाँ पर क्लियर करा है, जो कि 3,043 करोड़ रुपीज होते हैं। अब देखो क्या होता है, स्पेक्ट्रम फीस जब भी नीलामी होता है स्पेक्ट्रम का, तो तभी उनका वो प्राइस रखा जाता है, वो बीड होता है, और जिसपे टेलीकॉम कंपनीज यहाँ पर बीड करती है और उसे परचेज करती है। और यहाँ पर सरकार ने 2 साल की यहाँ पर छूट दे के रखी थी, उसके बाद अब जाके उनको यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो वोडाफोन आइडिया ने 3,043 करोड़ का यहाँ पेमेंट किया है, उसके बाद हमारा भारतीय एयरटेल ने यहाँ पर 1,950 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है, यानी कि 50 करोड़ कम 2000 करोड़ रुपए का यहां पर पेमेंट करा है, जो कि स्पेक्ट्रम ड्यूज है, एजीआर ड्यू नहीं है भाई साहब। और रिलायंस जियो ने भी यहां पर 1,053 करोड़ का यहां पर स्पेक्ट्रम ड्यूज को यहां पर क्लियर करा है। तो यहां पर सभी कंपनियों ने मिलकर यहां पर स्पेक्ट्रम ड्यू को यहां पर क्लियर करा है। और अगर आप बात करोगे एजीआर ड्यू की, तो एजीआर ड्यू का मामला अभी भी वहीं पर है भाई साहब। एयरटेल ने टोटल यहां पर 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करा है, और एयरटेल बोल रही है कि इससे ज्यादा भाई हमारा एजीआर ड्यू तो हो ही नहीं सकता, हम तो पेमेंट ही नहीं करेंगे भाई साहब। तो यही बात है, एयरटेल और पेमेंट नहीं करना चाहता। और यहां पर वोडाफोन आइडिया ने टोटल यहां पर 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान करा है, रिलायंस जियो ने तो अपना क्लियर कट कर दिया भाई साहब, क्योंकि उनका तो बहुत ज्यादा कम था। यही है दोस्तों मिला जुला के बात की एजीआर ड्यू अभी तक कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ। वोडाफोन आइडिया यहां पर क्या करेगा कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग चिल मारो, अभी उतना टेंशन लेने वाला बात कुछ भी नहीं है भाई साहब। और यहां पर जो सबसे ताजा न्यूज है, वो अपना स्पेक्ट्रम ड्यूज क्लियर कर चुका है वोडाफोन आइडिया, जो कि 3,043 करोड़ रुपए होते हैं। तो दोस्तों ये है आज का न्यूज़। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक दे देना। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आप क्या सोचते हो इन सारे ड्यूज़ के बारे में, क्या लगता है वोडाफोन आइडिया एग्जिस्ट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट कर जाना। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इस नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद। With the bills.